उधर फरीदाबाद में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। एक तरफ तो ओपी चौटाला ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। चौटाला ने कहा कि सरकार देश को लूटने में लगी है, इन्हें देशवासियों की जरूरतों का कोई ध्यान नहीं। उन्होंने एलनाबाद की सीट पर जीत की दावेदारी पेश की। ओपी चौटाला ने कहा कि किसान देश की बुनियाद हैं, लेकिन तीन कृषि कानून लाकर सरकार कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान को चाल है तो देश वाला माल है, और अगर किसान कंगाल है तो फिर देश का बुरा हाल है। और आज की मौजूदा सरकार की तो केवल नीति एक है, ये इस किस्म के कानून बनाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश के मेहनत के लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा मुट्ठी भर जो 15-20 बड़े उद्योगी ध्यान है, अंबानी और अडानी जैसे जो लोग हैं, ये पैसा उनके पास जाता है।